अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद अजीम हयात यूके के शहर लंदन से हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों आप सभी को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। अभी अभी जुमा पढ़ के जो है वो मस्जिद से निकला हूँ और मौसम भी आज खूबसूरत है। कभी बादल होते हैं और कभी सूरज निकल आता है। और दोस्तों आज मैंने जब जुमा पढ़ा और अभी बाहर निकला तो मैं देख रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का आखिरी खुतबा जो था और जिसमें उन्होंने ये फरमाया था कि किसी अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर और किसी काले को गोरे पर या किसी गोरे को काले पर कोई फौकियत जो है वो नहीं हासिल, पर तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसका तकवा अच्छा है। और दोस्तों मैं आप यकीन कीजिए कि यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग गाड़ियों पर आते हैं, काले गोरे अरबी अजमी सारे ही, और फिर ऐसी गाड़ियों पर होते हैं दोस्तों वो के पाकिस्तानी कीमत में उनकी मालियत जो है वो 5-5 करोड़ तक भी 6-6 करोड़ तक भी होती है। और फिर ऐसे भी आते हैं दोस्तों जो असाइलम का शिकार लोग हैं, जो मतलब यहाँ पर उनका स्टेटस जो है वो लीगल नहीं है, जो मुश्किलात का शिकार हैं, जो बेनिफिट्स पर रह रहे हैं या किसी तौर पर भी जो है वो काम नहीं कर सकते। इस तरह के लोग भी आते हैं जिनको मैं गरीब तो नहीं कहूँगा पर मजबूर ज़रूर कहूँगा, क्योंकि उनका कोई स्टेटस नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों जब वो मस्जिद में, पाकिस्तान में तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह इतने जो पाकिस्तानी होते हैं अपने भाई उनमें मतलब इस तरह के काले गोरे देखने को नहीं मिलते, पर यहाँ पर मगरबी ममालिक में ख़ास तौर पर और हज के दौरान भी। तो यहाँ पर जब दोस्तों मैं ये देखता हूँ चीज़, तो बड़ी हैरानी होती है कि वो 6 करोड़ वाली गाड़ी वाला शख्स भी जो है वो जब जुमे के लिए लेट होता है तो वो किस तरह भागा भागा आता है, और उसको जूतियों के पास भी जहाँ पर जूतियाँ रखी जाती हैं वहाँ पर भी जब उसको जगह मिलती है तो वहाँ पर वो खड़ा हो जाता है जूतियाँ साइड पर हटा कर। और उसकी ये हिम्मत नहीं होती दोस्तों ये किसी ऐसी शख्स को कि जो उससे बहुत कम तर हसीयत का है उसको वो ये कहने की जुरत रखता हो कि तुम बाहर आओ और मैं जो है अंदर चला जाऊं। और ये दोस्तों हमारे मज़हब का हुस्न है और ये हमारे दीन की तालीमात हैं। सुभान अल्लाह, ये चीज़ें देखकर दोस्तों तो तबीयत जो है वो बड़ी खुश होती है कि अल्लाह पाक का करोड़ा शुक्र है कि उसने हमें मुसलमान पैदा फरमाया। और ना सिर्फ मुसलमान पैदा फरमाया दोस्तों, अल्लाह का हमें लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें लाखों करोड़ों से अच्छा बनाया। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो तो बस अख़बार अपने आप को लाखों करोड़ों तो मैं नहीं कह सकता, पर मैं कईयों को देखता हूँ दोस्तों वो अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं पर वो भटक जाते हैं और फिर उनके मामला जो होते हैं वो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। तो दोस्तों ये छोटा सा पैगाम यही था कि हमारा मज़हब हमारा दीन बहुत खूबसूरत है, अल्लाह पाक का हमें करोड़ा शुक्र अदा करना चाहिए, और जो हमारी तालीमात हैं उनको भी हमें जो है वो अच्छे तरीके से अपनाना चाहिए, और ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारे ईमान की हिफाजत और सलामती जो है फरमाए, दीन और दुनिया में भी खैर बरकत फरमाए, और मरते वक्त भी अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे नबी का और अपना कलमा जो है वो नसीब फरमाए। इस दुआ के साथ दोस्तों कि अल्लाह पाक सब पर अपना फजल व करम करे, मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मेरी गाड़ी भी पास आने वाली है, चलता हूँ और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में बहुत जल्द। अस्सलाम वालेकुम।